पर जरा घूमने के लिए भाई साहब, शाम को हो गया समय, बहन चोर देकर रोड की काटे का बनाते जहाँ बहन के रोटी का हर गेट पे गेट। दोस्तों कैसे हो? तो आज काफी दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं डला है, तो आज नया अपडेट आएगा। तो हम जा रहे हैं देवबंद मदरसा है, बहुत खूबसूरत मदरसा है, मस्जिद है बहुत खूबसूरत, तो उसे एक्सप्लोर कराएंगे आपको आज। काफ़ी जो है मेरे पिछली वीडियो में काफ़ी डिमांड आई थी कि भाई कुछ यूनिक चीज़ दिखाओ, मैं जैसे इंडिया में हूँ तो इससे अच्छी वीडियो मेरे ख्याल से नहीं डाली होगी अब तक। आज मैं मदरसा और मस्जिद देवबंद की और भी बहुत चीज़ें हैं जो फेमस है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं। क्योंकि ये हमारे दोस्त आज मोहम्मद और जो है और भी दोस्त हैं, ये सावेद हैं, हम जो है सेंजर डला के निकल रहे हैं उसी देर में। तो जो है बने रहिए वीडियो में, नई चीज़ें आएगी आज। तो हम निकल गए हैं देवबंद की साइड, ये रामपुर दिराया आने को हो रहा है, बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर के इससे बाहर। 7 बज गए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा ही अंधेरा हो जाएगा निकलते निकलते। ये अपनी पूरी टीम निकल गई है, तो भाई ये जो है ना, ये हमारे बड़े भाई थे शोएब, ये जो है बाहर रहते हैं और प्लस नहीं 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 बोले, ये राज ये जो है राज ही रहेगा, खुल जाएगा तो पता नहीं क्या क्या होएगा। ये भी तो बोलते हम आ गए हैं, घुमाने जा रहा हूँ। ये है गणपति आ गया शायद, हाँ हाँ वही है, ये हमारे यहाँ का चार चिराग फेमस है। ये चल रहे हैं ना अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में, खबसा चल रहा है जो वो यही है, रामपुर तिराय से पहले ही पड़ेगा ये। आप इधर से भी आ सकते हो मुजफ्फरनगर से, सरवट के अंदर को निकल के सीधा यहीं पे आके निकलोगे। पूरा अंधेरा हो गया भाई, पता नहीं आगे रोड कब तक बनेंगे भाई, पता नहीं। 2025 में तो सरकारी बदलेगी, फिर कुछ नहीं बनने फिर तो जाए। तो दोस्तों हम अंदर जा रहे हैं मदरसे में, एंट्री हो गई हमारी और ये बच्चे आ रहे हैं, ये बच्चे आ रहे हैं मदरसे के बच्चे हैं, घूमते रहते हैं, रात वैसे हो गई है काफ़ी। और इधर जो है ये आईटीआई थी, इधर मैंने जिधर दिखाया था आपको, सामने गाड़ी पार्किंग लगी है, इधर आओ पार्किंग लगाओ, इधर गाड़ी पार्किंग है इधर। तो फाइनली हम मदरसे में पहुंच चुके हैं, गाड़ी साइड पे लगा के निकल रहे हैं, सामने रशीद मस्जिद है। ये माहौल है देवबंद मस्जिद के सामने का, चारों तरफ वाइट ही वाइट चमकेगा यहाँ पे। और रमज़ान में तो जो है माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, रमज़ान में तो जो है पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। ये गेट लगा दिया गया है। ये दिन का नज़ारा है देखो, बहुत से
इतनी खूबसूरत लगती है, ऐसा मन करता है जैसे देखते रहे। ये इधर लाइब्रेरी है, दिखा देता हूँ आपको। ये लाइब्रेरी है, दिन में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इधर। और जो है यहाँ पे अभी बच्चे नहीं है, अभी पेपर वेपर नहीं चल रहे। रशीद मस्जिद है इधर। ये मदरसा है जो मतलब ये पुराना है, ये मतलब यही था शुरू में, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेन यही है। तारुलूम हुसैनिया, ये मस्जिद है रशीद मस्जिद। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये इधर वजू, दारुलूम की खास बात, सबसे खास बात यह है, आप कहीं पे भी जाओगे, मंदिर हो या कोई भी अदर प्राइवेट प्लेस हो किसी भी तरह का, आपको पानी जो है खुद लेके बाहर से पीना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है फ्री है। और ये फ्रीज़र का है, फ्रिज लगा हुआ है अंदर, यहाँ पे आप पानी पी सकते हो आके। बाकायदा इस तरह के जो है आपको बर्तन मिलेंगे इधर, जो बर्तन भी बहुत ज़्यादा VIP रखे हैं। आप आओ किसी भी तरह, कहीं पे भी घूमो, कोई रोक टोक नहीं है। बस यह है लेडीज़ के लिए कि भाई मस्जिद में नहीं जा सकती लेडीज। ये सामने देख पा रहे हो भी लाइब्रेरी है, इसमें जो है टाइम टेबल रहता है, सुबह आप 7 बजे आओ और जो है 9 बजे तक ये खुली रहती है, 9 बजे तक खुली रहती है पूरी लाइब्रेरी। आप कभी भी आओ, सुबह को अलग ही नज़ारा रहता है यहाँ पे। अभी तो जैसे ये आप देख पा रहे हो ये मस्जिद है, अभी पढ़ाई चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये दिन का नज़ारा है, मैं पहले कुछ दिन पहले आया था तो मैंने दिन की वीडियो बनाई थी, ये दिन का है। तो ये बहुत खूबसूरत है, दिन में बहुत अच्छी लगती है ये। माशाल्लाह तिलावत चल रही है बच्चों की। ये रशीद है मस्जिद में अंदर, 24 घंटे जो है तिलावत चलती रहती है यहाँ पे, हर टाइम किसी भी टाइम आओगे आप, तिलावत चली रहेगी हर टाइम। चारों तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे 24 घंटे जो है तिलावत चलती रहती है, किधर भी चारों तरफ चल रही है देख पा रहे हो आप। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।